ठीक है ना। सब आ गए। मैं अपने इंट्रोडक्शन दूँ पहले। मेरा नाम है अरुण कुमार चौहान, बेसिकली हिमाचल से हूँ और लगभग 5-6 साल से मैं एजिलिटी में काम कर रहा हूँ और जीसी फेज देता हूँ, गैस फेज, जीसी, डीसी हेड स्पेस, जीसी एमएस, सिंगल क्वार्टर, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बेसिक से। तो पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप में से जीसी चलाया किस किसने? एलसी कौन कौन चलाता है? एलसी सभी चला सकते, ठीक है। तो मुझे एलसी का आइडिया बहुत कम है, एलसी में देखता नहीं, पर उससे कंपेयर करके मैं आपको बताता रहूँगा पाथ क्या है, ठीक है। जब भी आप कभी भी जीसी यूज करते हो या जैसे आप कभी एलसी यूज करते हो, जैसे जीसी होगा आप देख रहे हो इस तरह, सबसे पहले दोनों में सेम रहेगी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है चेंज नहीं होगी कभी। अगर आप थोड़ा सा टाइम में पीछे जाओगे तो पहले हमारे पास जो है टीएलसी रहता था, पेपर क्रोमेटोग्राफी रहता था, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 हम जो है टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो साथ में जो हमारे पास जो है अब मॉडिफिकेशन बनना शुरू होगी और इंस्ट्रूमेंट बन गया, ठीक है। पहले भी टीएलसी में क्या होता था कि हम जो है पर्टिकुलर प्लेट लेते थे, उसको एक सीरम की कोटिंग करते थे, ठीक है। तो वो एक स्टेशनरी फेज था और उसके बाद स्टेशनरी फेज के साथ हम जो बोलते हैं मोबाइल फेज, इसको बोलते हैं, वो हम यार वाटर में डिप कर रहे हैं, इथेनॉल में डिप कर रहे हैं, यही होता था ना। अब देखो एलसी के साथ कंपेयर करता हूँ, एलसी में जो है लिक्विड एज अ मोबाइल फेज है और जीसी में गैस एज अ मोबाइल फेज है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कभी भी ऑन होगा आपका तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑन होने से पहले गैस ऑन की जाएगी, इंस्ट्रूमेंट ऑन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कभी ऑन नहीं किया जाएगा, पहले गैस ऑन की जाएगी। शॉर्ट शॉर्ट बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि हमने मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया गैस लीकेज, हाँ दिक्कत आती है ना। अभी क्या होता है कि यहाँ पे सब कुछ हीटेड है, जैसे डीसी ऑन करोगे इसके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर गैस ऑन नहीं करते हैं, गैस ऑन नहीं करते हैं, टेम्परेचर तो हमेशा ही रहते हैं इसके, बिना टेम्परेचर के तो रहेगी नहीं है। टेम्परेचर इनलेट का, ओवन का टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे 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 बढ़ेगा जो हमने फिक्स किया होगा। तो जैसे आप गैस ऑन नहीं की, इंस्ट्रूमेंट आपने ऑन किया तो गैस की सप्लाई ये देख लेगा, गैस इसकी ऑन नहीं है, ये अपने आप आपको ब्लिंक करना शुरू कर देगा और अपने आप बंद हो जाएगा। तो गैस आपको इंस्ट्रूमेंट ऑन करने से पहले गैस ऑन करनी है। तो जितने भी आप पर्सन हो यहाँ पे, आपने शायद उस एंड में नहीं देखा हो, मैं सर के साथ गया था, आपका प्रोडक्शन एरिया है वहाँ पे, देखो तीन गैसेज हैं, तीन गैसेज के सिलेंडर लगे हैं वहाँ पे, चौथी गैस आपकी नाइट्रोजन है, आपका अपना इन हाउस प्रोडक्शन है नाइट्रोजन का, ठीक है। आप देखोगे ये तीन गैसेज है, मैं इसमें मार्किंग कर रखी है वैसे नीचे, एक येलो येलो मार्क कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो काम होगा वो होगा, कोई आपका लैब बॉय है या आप में से कोई, सब पहले सिलेंडर से गैस ऑन होगी। अगर मानो सिलेंडर बंद किया डेली बेसिस पे, आप हमें कैफे सुनाते हो सिलेंडर बंद करने शाम को जाने से पहले, तो नेक्स्ट डे आपको सिलेंडर ऑन करना होगा। पहले सिलेंडर ऑन करने के बाद यहाँ आपको प्रेशर आएगा, जब ये ऊपर प्रेशर आ रहा है, जब सिलेंडर ऑन किया तो आपके पास वो प्रेशर है। अगर सिलेंडर ऑन नहीं होगा तो वहाँ पर प्रेशर धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाएगा, वो प्रेशर कंट्रोलिंग यूनिट है। और यहाँ से नीचे एक प्रेशर कंट्रोलिंग यूनिट और लगी हुई है, उसमें प्रेशर कितना, उसमें प्रेशर आपका लाइन पर डिपेंड करता है, वैसे वहाँ से एक लिमिट होती है कि इतना खोलना इतना नहीं, तो ज्यादा खोल दिया पूरा खोल दिया। देखो नया जो इंस्ट्रूमेंट होता है, नया जो सिलेंडर होता है उसमें प्रेशर आता है 2000 PSI के करीब, 2000, 1800, 1600 PSI, डिपेंड करता है आपकी सिलेंडर से ले रहे हो, ठीक है। जब आप सिलेंडर ओपन करोगे तो 2000 PSI का प्रेशर तो डायरेक्ट दोगे तो आपकी तो लाइन बस्ट भी कर सकती है। उसमें वेंडर का क्या रोल है? 2000 देखो सर, वेंडर है ना, आप गैस सिलेंडर ले लो, आप इंडियन ऑयल से लोगे गैस सिलेंडर, क्या पता 14.1 kg का हो, दूसरा 14.2 kg का, फिलिंग का फर्क है ना। तो हर एक का मतलब मैक्सिमम 2000 PSI आ सकता है उसमें। तो पहले हमने गैस ऑन करी, वहाँ से गैस ऑन करने के बाद वहाँ बहुत सारा प्रेशर है,
तो वहाँ एक कंट्रोलिंग यूनिट पहले से लगी हुई है लाइन पे कि हमने लाइन पे कितना भेजना है। अच्छा। लाइन पे जो हम भेजेंगे 2000 PSI के बाद हम वहाँ से 100 PSI 120 PSI भेजेंगे। तो आप देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको वो लगभग 100 से ऊपर है, सारे 100 के करीब है, 100 के करीब है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। तो लाइन पे जो प्रेशर आया 2000 के बाद कितना आया 100 के राउंड, थोड़ा सा लाइन भी खत्म करेगी लाइन, आपकी 100 फुट की लाइन है तो ऑब्वियसली प्रेशर डाल देना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि 100 फुट की लाइन भी तो खत्म करेगी प्रेशर आपको। नीचे जो हमें प्रेशर चाहिए वो हमेशा हमें 75 PSI या 6 kg इसको बोलते हैं उसके अराउंड चाहिए, आप उसे ज़्यादा नहीं रखोगे। मैंने इसलिए मार्किंग कर दी यहाँ पे क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है 100 PSI की। अगर आप उसको 100 PSI दे दोगे, 110 PSI दे दोगे तो उसका जो कंट्रोलिंग यूनिट है इंस्ट्रूमेंट की वो खराब हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमें यहीं से देनी पड़ेगी, ये मैं बताता हूँ, सेट करनी पड़ेगी या सेट करके मैंने इसीलिए बंद किया हुआ है। और देखो ये मैंने गैस ऑन करी, ठीक है, ऑन करी गैस मैंने, ये मैं चाहे तो यहाँ से कंट्रोल करके देखो ऐसे बढ़ा सकता हूँ पर उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना प्रेशर वहाँ होगा उसके अराउंड कम कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल हो रही है तो मैंने जो मार्किंग की है उसके अराउंड रखना है जो मैंने मार्किंग की है। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो सर आप मिनिमम जीरो रख लोगे आपको सिस्टम चल जाए हमारा, आपको जो ऑप्टिमाइज है मिनिमम आप वर्क कम करो, यहाँ फ्लो ज्यादा देना पड़े तो वो नहीं मेंटेन कर पाएगा। 6 kg रखा जैसे इसको, ये थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको कम कर दूंगा। यहाँ से आप यहाँ की आगे की प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने देख लिया, हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, ठीक है। गैस ऑन करने के बाद ही हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन होगा। ये बेसिक फंडा है, ये आज ही नोट कर लो, बिना गैस ऑन किए इंस्ट्रूमेंट ऑन नहीं करना है। सर एक बीच नोट कर लो, जैसे वहाँ सिलेंडर बंद करवाओगे तो यहाँ भी ये भी जो प्रेशर के जो क्लोज करके जाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, देखो अगर ये नॉर्मल ओपन रहेंगे, सिलेंडर बंद कर दिया है आपने तो इसके आगे प्रेशर नहीं आएगा, प्रैक्टिस आपकी मर्जी है, आपने सिलेंडर डेली बंद करना है या आपको जो है अगर आपको चल रहा है तो ऑब्वियसली ऑन ही रखना है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाना है सिलेंडर बंद कर सकते हो, आप कर सकते हो तो आप कीजिए, पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट नहीं चला रहे एटलीस्ट यहाँ से बंद करो, ठीक है, क्लियर। अभी बात हो रही है गैस क्रोमेटोग्राफी की, तो देखो गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अब आते हैं हम गैस पे। आपने देखोगे LC में आप मोबाइल फेज में कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो मिथेनॉल भी करते हैं, किसी का मिक्सर करते हैं, काफी ऑप्शन है, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम जो है एज अ कैरियर, जो कैरियर उसमें रहता है मोबाइल फेज जिसको है, वो गैस यूज होगी और वो स्पेसिफिक गैस है। कुछ एक गैसेज है, एक हीलियम, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन का एक मिक्स रहता है, वो बहुत कम है, मैंने भी नहीं देखा आज तक कोई कस्टमर को यूज करता हूँ। दो ही गैसेज मैक्सिमम यूज होती है, एक हीलियम और नाइट्रोजन, उसमें भी नाइट्रोजन 90% पे नाइट्रोजन यूज होगी, 10% या 8% पे हीलियम यूज होगी, बाकी हाइड्रोजन 1% 2% कोई कस्टमर यूज करता है, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं, क्लोरो गैस क्यों यूज नहीं करते? इनएक्टिव है सर, बस इनर्ट से ही क्लियर होता है कि वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होगी। तो जो आप चीज कर रहे हो या उसमें एज अ मोबाइल फेज में जो सॉल्वेंट जा रहा है साथ में जा रहा है तो उससे मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हीलियम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूज होती है क्योंकि नाइट्रोजन कॉस्ट में बहुत कम है। आपका एक सिलेंडर नाइट्रोजन का 2000 से 3000 रुपये का आएगा और हीलियम का एक सिलेंडर आपका 12000 से 22000 रुपये तक आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन सेफ्टी मेजर के आता है एज अ कैरियर। यहाँ पे हाइड्रोजन है, बताऊंगा किस लिए हो। हाइड्रोजन एज अ मोबाइल फेज की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल कैरियर गैस जिसको मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल फेज कैरियर गैस एक ही चीज़ है वहाँ पे और यहाँ पे, हम हाइड्रोजन को यूज नहीं करते। अगर आपको हाइड्रोजन यूज करना है तो आपको पूरे सेफ्टी मेजर लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक सेंसर लगवाना पड़ेगा
अगर थोड़ा सा लीक होगा तो सेंसर आपका अलार्म करेगा पूरे इसमें, तो आपको देखना पड़ेगा लीक चेक कब कहाँ हो रहा है, लीक हो रहा है, आपको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है बहुत सेफ्टी मेजर पे यूज होती है। टेन मैंने एक दो जगह देखी है, पेप्सिको कंपनी है संगरूर में, पेप्सिको जो पेप्सी वो हाइड्रोजन एज अ कैरियर यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट आते हैं कैरियर गैस का आइडिया लग गया, कौन सी कैरियर गैस हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो क्रोमेटोग्राफी मैंने कहा कि चेंज कभी नहीं होती है, वहां पे और यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, पर जो मूवमेंट है वो आपको सेम मिलेगी। वहां पे देखो कि आप क्या होगा कि पहले आपका जितना भी सॉल्वेंट है वो डिगेसर में जा रहा है, काइंड ऑफ वहाँ बबल्स वगैरह रिमूव होंगे उसके कुछ होगा, उसके बाद जो है वो आपका कॉलम के थ्रू होते हुए डिटेक्टर में जाएगा, ऐसा ही फ्लो पाथ रहता है, ठीक है। मतलब जहाँ सैंपल इंजेक्ट हो रहा है आपका इनलेट, इसको बोलते हो आप, वहीं पे आपका मोबाइल फेज आ रहा होगा, यही होता है ना। इसका भी वही है कि पहले जहाँ पे सैंपल इंजेक्ट होगा वहाँ गैस आएगी, वो आपकी कॉलम में जाएगी, कॉलम से डिटेक्टर में जाएगी, फ्लो पाथ सेम है दोनों जगह। वहाँ डिफरेंस क्या है, वहाँ लिक्विड आपका जा रहा है, यहाँ आपका जो गैस फेज जा रही है। अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रक्चर पे, कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है हमारे पास, क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। आपके पास जो अभी मॉडल आया हुआ है ये जीसी का पोर्शन है और ये हेड स्पेस है। हेड स्पेस कुछ नहीं है, एक यूनिट ही है, ये बहुत बड़ा चीज दी हुई है आपके पास, पर एक यूनिट है, इसको हम ऑटो सैंपलर ही बोलते हैं, एक प्रकार से ये ऑटो सैंपलर है। आपका एलसी में जो ऑटो सैंपलर है जो सैंपल लेता है, ये भी क्या कर रहा है, ये बस सैंपल लेके वेपराइज फॉर्म में भेज रहा है, ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में भेज रहा है, ठीक है। तो ये दो ये स्ट्रक्चर है इसका, कि आपके पास ये जी सी है, ये हेड स्पेस है। अब जो है जैसे अगर मैं बात करूं, और देखो जीसी में हम कौन से सैंपल्स कर सकते हैं, जीसी पे हम कौन से सैंपल्स कर सकते हैं। जीसी में सैंपल्स वही होंगे जो कि थर्मली स्टेबल होते हैं, जो लिक्विड में वेपर में जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करते हैं। मिथेनॉल है तो मिथेनॉल लिक्विड में मिथेनॉल था, वेपर बना तब भी मिथेनॉल है, जो थर्मली स्टेबल है हाई टेम्परेचर पर अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करे, वही चीजें हम जो है गैस फेज में करेंगे। वो बात अलग है, कोई ऑर्गेनिक है कोई नो ऑर्गेनिक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम डिटेक्टर उसमें कौन सा यूज करेंगे, कॉलम यूज, वो अलग बात है। पर हम कौन से सैंपल कर सकते हैं, जैसे लिक्विड है तो वहाँ एलसी में हम कौन से सैंपल करते हैं, आप सोच के देखो एलसी में ऐसे सैंपल आप यूज करेंगे जो थर्मली स्टेबल नहीं होंगे, इसमें हम वही सैंपल करेंगे जो थर्मली स्टेबल होंगे, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज ना करें आप जब टेम्परेचर चेंज होगा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो वहाँ सारा सैंपल जो है लिक्विड में आता है, लिक्विड में ही आपका ट्रेवल करता है, चाहे सैंपल हो चाहे मोबाइल फेज हो। यहाँ पे चाहे वो मोबाइल फेज हो चाहे आपका सैंपल हो स्टैंडर्ड हो, वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा और वो गैसियस फेज में ही डिटेक्ट होगा और गैसियस फेज में ही कॉलम से वो मूव करेगा। हालांकि हम इंजेक्शन लिक्विड फेज में करते हैं तो इमिडिएटली हम वेपराइज करते हैं। सर ये जो सर लिक्विड को वेपर में बदल रहा है तो हीट की जरूरत पड़ती होगी इसके लिए, तो हाँ जी हीट की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, अब हीट की दो मैंने कहा था शुरू में, बोला था मैंने कि आपका जितना भी सैंपल्स हैं, जो भी आपके सैंपल्स हैं, यहाँ पे शुरू में बोला था कि गैस ऑन नहीं होगी तो आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट रहती है। सबसे पहला यही था मैंने कि हीटिंग जोन रहते हैं। अब देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका गैसेज पर, देखो ये जो गैस आ रही है आपकी, यहाँ पे तीन टाइप की गैसें लगी हैं हमारे पास, तीन के चार टाइप की गैसें हैं। एक होगी आपकी एयर, इसको हम जीरो एयर बोलते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल ऑक्सीजन नहीं है, ये जीरो एयर है। दूसरी आ गई हमारे पास हीलियम, तीसरी हाइड्रोजन और चौथी आपके पास नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन को मैंने आपको बता दिया कि एज अ कैरियर यूज होंगी, दो गैसेज कहाँ यूज होती है मैं बताऊँगा थोड़ी देर में आपको। अब आते हैं हम जो है जीसी पे आते हैं, हम सिर्फ लिक्विड इंजेक्शन पे, इसको मैं थोड़ा सा बाद में कवर करूंगा कि ये क्या चीज़ है। अब देखो जो भी गैसेज हैं वो आप हमारे इंस्ट्रूमेंट के जस्ट पीछे लगी हुई है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई है गैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे एलसी में आपका एक इनलेट है जहाँ पे इंजेक्शन होता है, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे दो टाइप के इनलेट है, डिफरेंट टाइप के, जहाँ के सैंपल इंजेक्ट हो, ठीक है। एलसी में आपके डिटेक्टर होते हैं यूवी, वीडब्ल्यूडी और भी रहते हैं डिटेक्टर्स रहते हैं, या एलसी मास्क लगा वो भी डिटेक्टर ही है। तो यहाँ पे भी दो डिटेक्टर हैं हमारे पास, ये एक FID, एक PCD, FID और PCD। इनलेट भी दो टाइप के हमारे पास, एक का नाम है पर्ज पैक इनलेट, एक का नाम है स्प्लिटलेस इनलेट। लिखो मत, मैं बताऊंगा, सर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ दो इनलेट हैं, दो डिटेक्टर हैं, ये ओवर है और इसमें ये लगा हुआ है, ये इसमें कॉलम रहता है। जीसी में कॉलम बहुत बड़ा होता है, ये जो वायर सी है, वायर नहीं कॉलम है, ये कैपिलरी कॉलम है, ठीक है। सिलिका की इसमें पैकिंग रहती है, पैकिंग डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे आपके LC के कॉलम है, आपके पास रिवर्स फेस कॉलम रहता है, सिलिका जेल का कॉलम रहता है, काफी कॉलम रहता है, मुझे आइडिया नहीं इतना, तो वैसे ये भी कॉलम है हमारे पास। तो बहुत पतला होता है, तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ बहुत होती है, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर, ऐसी इसकी लेंथ होती है। देखो ये 30 मीटर का कॉलम इतना चौड़ा है, इतने इसमें कम से कम 20 काउंट लगे होंगे इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब वो है, डेलीकेट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे कर लूँ, मोड़ लूँ, कोई दिक्कत नहीं इतना, ऐसे क्रैक नहीं होता। अब इतना बड़ा कॉलम है तो आपको रेजोल्यूशन अच्छा मिलेगा, 30 मीटर का कॉलम है तो रेजोल्यूशन अच्छा मिलेगा। एलसी में आपको रेजोल्यूशन की दिक्कत आती है, कि कॉलम इतना है, रेजोल्यूशन दिक्कत आती है, इसमें रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया मिलता है। इतना कॉलम की लेंथ बढ़ती रहेगी आपकी, 30 से 60 होगी तो रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं फिर से आता हूँ गैस फेस पे, तो गैस क्रोमेटोग्राफी में मैंने जो आपने बोला था कि इसमें हर एक चीज है आपकी वेपराइज फॉर्म में आती है। तो जो इनलेट है इसके, जो ये दो दो इनलेट है यहाँ पे, यहाँ इंजेक्शन होगा आपका, ये इंजेक्शन यहाँ करेगा और हेड स्पेस का इंजेक्शन इसके पीछे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दो इनलेट हैं आपके पास, ये दोनों हीटेड होते हैं, हीटेड रहते हैं। अब ये हीटेड मतलब 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, ये टेम्परेचर रहता है, और सब कुछ डिपेंड करता है आपका, आप क्या सैंपल चला रहे हैं, क्या आपके पास मैट्रिक्स है। ये टेम्परेचर अपने आप सेट करते हैं या सैंपल के हिसाब से हम सेट करते हैं? सैंपल के हिसाब सेट होगा। आपने चार कंपाउंड लिए, आपको पता होता है चार कंपाउंड है, ABC कंपाउंड है, उसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा उसे 20 डिग्री प्लस आपका इनलेट का टेम्परेचर रहेगा, वरना वेपराइज नहीं होगा। सिंपल सा के लिए वेपराइज होना चाहिए, जो मटेरियल आप जा रहे हो वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, वो वेपराइज होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप मेथड जब आप USP रेफर करते हो अपना, या इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया रेफर करते हो, तो उसमें आपको दिया होगा कि इनलेट का टेम्परेचर 300 डिग्री, 250 डिग्री, 280 डिग्री, 270 डिग्री, 150 डिग्री मेंशन होता है। तो वो टेम्परेचर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जैसे ही मैं इसे सैंपल इंजेक्ट करूँगा, 1 माइक्रोलीटर, 2 माइक्रोलीटर, इतना ही सैंपल इंजेक्ट होता है इसमें, 1 माइक्रोलीटर, 2 माइक्रोलीटर, 2.5 माइक्रोलीटर, इससे ज़्यादा सैंपल इंजेक्ट नहीं होता, बस ये मैक्सिमम लिमिट है। बस मैसे तो 5 माइक्रोलीटर होता है, तो उसमें RSG नहीं आती है, उसका रीज़न कुछ डिफरेंट है। पर आपका मैक्सिमम जितने भी मेथड बनेंगे, 100 मेथड बनेंगे, तो 100 में से 95 मेथड में 1 माइक्रोलीटर का ही इंजेक्शन होगा ऑटो सैंपलर का, 1 माइक्रोलीटर का या 0.5 माइक्रोलीटर का। मिनिमम इंजेक्शन हम कर सकते हैं इसमें 0.1 माइक्रोलीटर, 0.1 माइक्रोलीटर हम मिनिमम इंजेक्शन कर सकते हैं। सिरिंज साइज में डिफरेंट होता है, 10 माइक्रोलीटर की सिरिंज है तो भी 5 माइक्रोलीटर की सिरिंज लेनी पड़ेगी, आप कम सिरिंज होगी तो उसकी प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। 10 माइक्रोलीटर की सिरिंज से आप सिर्फ 0.2 माइक्रोलीटर एक्यूरेटली दे सकते हो। नहीं, अभी आपके पास सिरिंज 10 माइक्रोलीटर की आई है, आपके पास बोल रहे हैं कि आपके पास 100 मेथड बनेंगे तो उसमें से 90 मेथडों में 1 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन होगा, 0.1 नहीं होगा, 1 ही माइक्रोलीटर होगा, मैक्सिमम जगह यही है 1 माइक्रोलीटर, 0.5 माइक्रोलीटर, 1.5 माइक्रोलीटर से ज़्यादा नहीं होगा। कैलिब्रेशन में तो आएंगे ना फिर उसके नीचे भी? कैलिब्रेशन में नहीं आएंगे आप, जो है कैलिब्रेशन में आप सिर्फ इंजेक्शन प्रिसीजन करोगे, इंजेक्टर लीनियरिटी नहीं करेंगे, इंजेक्टर लीनियरिटी एजिलेंट रिकमेंड नहीं करता है,
क्यों नहीं करता मैं बताऊंगा थोड़ी देर में क्या रीजन इंजेक्टर लिनियरिटी हम क्यों नहीं करते, ठीक है। तो इंजेक्टर लिनियरिटी जो आपका इंजेक्शन प्रेसीजन होता है, इसमें जो आप करोगे जब कैलकुलेशन करोगे, मैंने जो कैलकुलेशन में किया है तो हमारा कुछ डिफरेंट रहता है, डिफरेंट क्या कुछ एक पैरामीटर हमारे एक्स्ट्रा रहते हैं। जैसे मैं इंजेक्शन प्रेसीजन भी करूँगा, मैं सिग्नल टू नॉइज भी करूँगा, नॉइज टू ड्रिफ्ट भी करूँगा, ये हमारे तीन पैरामीटर रहते हैं, ठीक है। कल मैं जो कर रहा था, जब मैंने सारा कॉरिडोर ओपन किया था, सारा ओपन किया था, वो मैं नॉइज टू ड्रिफ्ट कर रहा था, उसकी लिमिट है 0.1। वहाँ अगर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, TCD बहुत सेंसिटिव होता है, वो अगर प्रेशर थोड़ा सी फ्लक्चुएशन हो वो स्पाइक दे देता है, तो अगर लिमिट 0.1 की, अगर स्पाइक जो है 0.2 की आ गई तो फिर ठीक है। इसलिए मैं वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करवा रहा हूँ आपकी, आप सिर्फ इंजेक्शन प्रेसीजन करोगे अपना कॉलम में। आप LC में क्या क्या करते हो, डिटेक्टर लिनियरिटी करते होंगे और इंजेक्टर लिनियरिटी करते होंगे, और आप जो इंजेक्शन प्रेसीजन करते हो, जब आप इंजेक्टर लिनियरिटी करते हो तो लूप साइज का ध्यान रखते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्टर लिनियरिटी कर रहे हो आप यहाँ लोड बढ़ाते जा रहे हो, लूप साइज कॉन्स्टेंट रहता होगा आपका, वो उस हिसाब से डिजाइन किया होता है कि उस लूप में आ जाए सब कुछ। अगर लूप ओवरलोड हो गई आपकी तो आपका RSD नहीं आएगी, करेक्ट। इसमें भी डिफर करता हूं ना, कितना लूप है इसमें, लूप नहीं, इसमें लूप साइज नहीं, लूप पर कुछ नहीं है। मैं अभी आता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या चीज़ है हमारे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दो इनलेट है, डिफरेंट टाइप के इनलेट है ना, क्यों है वो डिफरेंट टाइप के इनलेट, क्या उसका रोल है वो भी मैं बताऊँगा। दो डिटेक्टर है, डिटेक्टर बहुत ईजी रहता है कि क्यों डिटेक्टर ऐसे, UV आपको पता ही, आप स्पेसिफिक सैंपल के लिए करोगे, VWD आप स्पेसिफिक सैंपल के लिए करोगे, ठीक है। तो वो डिटेक्टर का तो क्लियर रहता है। अब आते हैं इनलेट पे, जब भी आपका एक मैग्नेटर का इंजेक्शन, दो मैग्नेटर का इंजेक्शन होगा, इसके थ्रू होगा, आप देखोगे आप इसको, आप देखो इसमें मैंने इसलिए ओपन किया, थोड़ा सॉल्वेंट गिरा है, इतना कुछ नहीं, ये आपकी जो है सिरिंज है, इसमें देखोगे आप सिरिंज है आपकी, ठीक है। ये सिरिंज है आपकी, इसका साइज सिर्फ 10 mL है, इसमें से मैक्सिमम इंजेक्शन आप सिर्फ 5 mL कर सकते हो, 10 mL इंजेक्शन नहीं होता, और मिनिमम 0.2 mL, ठीक है। ये सिरिंज काफ़ी डेडिकेटेड सिरिंज होती है, बहुत प्लंजर है उसका, पतला है, अगर आप ऐसे भी करोगे तो बेंड कर जाएगा। फिर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करता है कि आपको सिरिंज यहाँ पे ही अटैच करनी है, कैसे अटैच करनी है मैं बता देता हूँ। ये आपका यूजर ड्यूरेबल एक्टिविटीज रहती है, सिरिंज चेंज करना, जैसे आप कॉलम चेंज करते हो, ये ट्रबल शूटिंग में नहीं आएगा, आप डेली बेसिस पे आप सिरिंज निकालोगे, फिर कल आपने सैंपल में लगाया है, आज आप सैंपल लगा रहे हो तो ऑब्वियसली कैरी ओवरने के चांसेस है, आप सिरिंज निकालोगे, क्लीन करोगे, ठीक है, उसके बाद लगाओगे। इसने जो है अब एनेक्सिन लगाओगे तो प्री वॉश पोस्ट वॉश में भी आप एनेक्सिन रखोगे, ऑब्वियसली मेथनॉल रखोगे तो मेथनॉल की पीक भी आ जाएगी, कुछ तो आएगा ना, तो वो चांसेस आप इसमें एनेक्सिन तो रहेगा ही हमेशा, वॉश तो कर दी पर कल आपने अब नेक्स्ट डे सैंपल चलाया है तो एनेक्सिन ड्राई हो गया, एनेक्सिन ड्राई हुआ, जैसे ही ऊपर आएगा इंजेक्ट करेगा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तोड़ देगा, तो आपको हो सकता है प्रिकॉशनरी मेजर को आप क्लीन करनी पड़ेगी मेथनॉल से, तो करना पड़ेगी तो आपको क्लीन, हो सकता है आपने कई बार प्रोडक्ट स्पेसिफिक करके काफ़ी आने वाले टाइम में आप सिरिंज कर दो कि मुझे इस प्रोडक्ट में ये वाली सिरिंज ही लगानी है, ये कैलकुलेशन की सिरिंज है मेरी, दूसरी सिरिंज है, तब भी आपको सिरिंज चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिरिंज चेंज करने का ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सिरिंज ली आपने, ये देखो इसमें ना एक राउंड है, एक तरफ फ्लैट है, इधर से राउंड है, इधर से फ्लैट है, ठीक है। एक दो निकाल सर, आगे चल।
नहीं कोई 1-2% आ गया, जाओ मैं फिर से बता दूंगा। देखो सिरिंज यहाँ पे रखी है जो आपका इंजेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे आपको पहले से जा रही है, जहाँ से इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो सिरिंज यहाँ पर अंदर तक जा रही है, तभी नीचे जाएगी आपको। और सिरिंज आपने लगानी है इस तरीके से, इस तरीके जो राउंड वाला पोर्शन है वो नहीं रहेगा, जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो ऐसे लगेगा। 10 मिनट में हमने दिख रहा है आपको, ये लगा, ये इसका सिरिंज का लॉक लग गया, ताकि सिरिंज बेच का ये बहुत फोर्स से करती है, अगर हम उसको लॉक नहीं लगाएंगे तो बीच में फूट जाएगी, ठीक है। और ये इसके प्लंजर को होल्ड करने के लिए, ये होल्ड हुआ, नीचे रखा मैंने, टाइट किया, उसको एक बार देखना है, ये मूवमेंट तो ये मूवमेंट सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी जब आपको ऑटोमेटिकली कर दिया, ठीक है। निकालने के लिए बहुत सिंपल सा बनता है आपके पास, आपने अनलॉक की सिरिंज, अनलॉक करने के बाद इसको ओपन हो गया, उसके बाद जो है आपने इसको लॉक किया सिरिंज को, यहाँ से टाइम तो सिरिंज एक्टिविटी ऐसी है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में करनी पड़ सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकती है, नहीं है एक टाइप का प्रोडक्ट चल रहा है मिथुन चला रहे हो आपको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्री वॉश पोस्ट वॉश होते हैं इसमें तो आपको वैसा चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपको जरूरत पड़ेगी, आप कहीं किसी जगह चेंज करोगे, मूव करोगे, फार्मा में जाओगे तो आपको रहेगा क्योंकि वो हर एक सिरिंज को लगाने से पहले उन्होंने अपने एसओपी बनाई है, चाहे वो क्लीन करता हो चाहे नहीं करता हो, यूजर को सिरिंज निकालनी है, क्लीन करनी है, वही डाइल्यूट रखा जाएगा आपका, जो आपका डाइल्यूट यूज हो रहा है, जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वही डाइल्यूट रखा जाएगा, वही रखा जाएगा। मैं बताऊँगा कहाँ रखते हैं इसमें जो है डाइल्यूट रखते हैं इस बारे में, ठीक है। एक मिनट, एक छोटा सा